हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक्रिलिक कलर को कैसे यूज़ करते हैं और एक्रिलिक कलर करने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप दुकान में कैनवास को ख़रीदने जाओगे, बेसिकली आपको तीन टाइप्स के कैनवास मिलेंगे, बोर्ड कैनवास, स्ट्रेच कैनवास और कैनवास रोल। तो इस वीडियो में मैं कैनवास रोल को कट करके यूज़ करूँगा। कैनवास को कितने साइज़ में कट करना है वो आप पहले मेजर कर लो। कैनवास को कट करने के बाद आप कैनवास को किसी भी बोर्ड के ऊपर मास्किंग टेप से लगा दो। उसके बाद आप फर्स्ट लेयर के लिए जिसो लगा सकते हो, इससे आपकी कैनवास की लॉन्गजिविटी बढ़ जाती है। अगर आपके पास जिसो नहीं है तो आप फर्स्ट लेयर के लिए कोई भी एक्रिलिक कलर से दे सकते हो। मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर से ही फर्स्ट लेयर को दिया है। और यहाँ पर जो मैंने पैलेट यूज़ किया है वो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा और प्राइस भी आपको कम पड़ेगा दूसरे पैलेट से। कैनवास को सूखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा देखने में। फर्स्ट लेयर को सूखने के बाद आपका जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसको आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो या कौन सा भी पतला ब्रश लेके कलर से भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पेंसिल को यूज़ किया है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। जितने भी टूल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भी मुझे फेस के लिए फर्स्ट लेयर देना है। फर्स्ट लेयर के लिए मैंने यहाँ पर तीन चार कलर यूज़ किया है, वो है कोबाल्ट ब्लू, स्करलेट, येलोकर एंड सैप ग्रीन। फर्स्ट लेयर देने से ये आगे आपको हेल्प करेगा सेकेंड लेयर को और भी अच्छे से करने में। तो गाइस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आपको और देखना है तो मुझे कॉमेंट करके बताना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।